हाँ दोस्तों, अंपायर विराट कोहली के खिलाफ ही क्यों गलत डिसीजन सुना देते हैं। अंपायर और विराट कोहली के बीच ये जो अंपायर काल का सिलसिला है वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आज फिर से अंपायर ने टीम इंडिया का उस समय बड़ा नुकसान कर दिया जब सभी फैंस को उम्मीद थी कि विराट कोहली आज एक बड़ी पारी खेलेंगे और टीम इंडिया को मैच जितवा जाएंगे। दूसरी तरफ से चाहे विकेट गिरते रहे, लेकिन जितनी देर तक विराट कोहली मैदान पर रहते हैं इंडियन फैंस की उम्मीद का किरण बची होती है कि वह मैच को दूसरी टीम के जबड़े से छीन ला सकते हैं। लेकिन हर बार अंपायर के गलत फैसले सुनाकर फैंस की उन उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मिचेल सेंटर की एक गेंद विराट कोहली के बैट पर जाकर टकराई और अंपायर ने झट से उंगली खड़ी कर दी। कोहली ने भी उसी टाइम रिव्यू लिया क्योंकि उन्हें लगा था कि गेंद पक्का लेग स्टंप को मिस करने वाली है, लेकिन रिप्ले में देखा गया कि गेंद जरा सी लेग स्टंप को छूकर जा रही है और अंपायर कॉल के चलते थर्ड अंपायर को भी आउट का फैसला सुनाना पड़ा, जिसके बाद विराट कोहली जाते जाते अंपायर पर अपनी भड़ास निकाल कर गए। अंपायर का चेहरा देखने लायक था। बाहर जाती गेंद पर अंपायर ने कोहली को नॉट आउट देते तो फिर अंपायर कॉल के चलते कोहली बच सकते थे। दोस्तों, आपका इस पूरे वाक्य पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।